हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं चाय है, और मैं अभी मीटिंग ज्वाइन किया। तो गाइस, आज है 14 फरवरी। आज जैसे कि आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे है, और देखता हूँ मैं कुछ ऐसा सरप्राइज करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसा जो अनु को अच्छा लगे। देखते हैं अभी फिलहाल वो क्या कर रही। अनु क्या कर रहे? तो गाइस, मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी। तो चलो अन्नू को काम करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। गाइस, अभी अन्नू को खाना बनाने देते हैं। जब वो कुछ काम कर रही होगी तो मैं चुपके से गाजर वगैरह करता हूँ, तो गाजर का हलवा बनेगा। उसके लिए सरप्राइज मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, और देखते हैं उसको कैसा लगता है, उसको पसंद आता है कि नहीं। भूल गया गाइस क्या बोलना था। तो गाइस, वैसे तो मेरा आज ऑफिस है, तो मैं काम कर रहा था, तो मैं देखा है, मैंने अपने भाई को बोला है कुछ कुछ सामान लाने के लिए जो मैं नहीं ला सकता फिलहाल, तो वो जाके लेके आएगा। बाकी चीज़ें मैं सब मैनेज कर दूँ कैसे भी, और डेकोरेट करूँगा या जो भी है, मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में। और जो भी करना है हमको अन्नू से छुपा के करना पड़ेगा, तो आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस, अभी मैं गाजर का हलवा बनाऊँगा, तो मेरे पास गाजर है इतने सारे। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं गाजर का हलवा बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे गाजर को वो करना पड़ेगा जो भी करते हैं। और फिलहाल तो अन्नू को हमने घर भेज दिया है मम्मी लोग के पास। हमने अन्नू को बोला कि मम्मी ने बुलाया, मम्मी को बोल दिया कि कुछ कुछ बोल देना, ऐसे बहाना मार देना, और अन्नू को हमने भेज दिया है। तो अभी अन्नू हमारे अभी इस घर में नहीं है, और फिर बस हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए। तो गाइस, मैं गाजर ले आया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज वैलेंटाइन डे था, तो अभी रिसेंटली हमने एक म्यूज़िक वीडियो अपलोड किया है, आप जरूर जाके देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो आई बटन बना हुआ है उसमें भी जाके क्लिक कर सकते हैं आप, और वो उस गाने को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा म्यूज़िक वीडियो बनाया गाइस, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो गाइस, देख सकते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए रेडी है। तो फिलहाल मैं इसको भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ ढक के, और मैं जाता हूँ नहाता हूँ, और फिर उसके बाद गाजर का हलवा। तो गाइस, मैं नहा लिया हूँ और अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर मैं गाजर का हलवा बनाऊँगा। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मुन्ना और मुनिया आ चुके हैं घर, और इन लोगों ने सामान लिया है बहुत सारा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, और भी कुछ कुछ लाया ना? नहीं, बस इतना ही। हाँ, और वो केक है, केक कहाँ है? केक भी है गाइस, तो केक तो हम आपको बाद में दिखाएंगे ना, जाके फ्रिज में रख दे। तो गाइस, जस्ट अभी अभी मेरा कॉल ख़त्म हुआ, अभी मैं काम कर रहा था, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं जाके गाजर का हलवा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गाइस, गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास गाजर है। तो गाइस, इसमें डालते हैं ढेर सारा घी, ढेर सारा नहीं, थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा उसको फ्राई करने के लिए कुछ कुछ दालचीनी और थोड़ा सा लौंग वौंग डालते हैं, गाजर डालते हैं। तो गाइस, अभी गाजर को पकने देते हैं, तब तक ये दूध को मैं निकाल लेता हूँ, और उसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। बहुत टेस्टी दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं, और जो दूध है वो भी गाढ़ा हो गया है, ये देख सकते हैं आप, मलाई वलाई बन रही है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे गाजर के हलवे में, और बस शक्कर तुमने डाल दिया था, हम इसमें। तो गाइस, हमने दूध डाल दिया है, और इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि गाजर का हलवा कम गाजर का खीर बन गया है, होपफुली ये टेस्टी लगे, शायद दूध ज़्यादा डल गया। देखते हैं मुनिया लोग आ गए, मुन्ना मुनिया लोग आ गए, देखते हैं उनको क्या कर रहे हैं। ओह, तुम लोग आ गए, कितने के मिला? 80। अच्छा, अब ये लगभग जो हमारा गाजर का हलवा है वो पक गया है ना, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और ढक देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे, मोस्टली मुन्ना और मुनिया ही कर रहे हैं।
जाता हूँ मैं चीज लगवा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा बहुत हमने सजाया है, कोशिश किया है और जारी है। हम तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की गाइस। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मुनिया को जाता है और मुन्ना को जाता है और थोड़ा बहुत बस में गाइस अन्नू आ गई है। और हमने अन्नू को इस कमरे में भेज दिया है, बोला कि तुमको तैयार होना है, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। और तो गाइस इस कमरे में हमने डेकोरेशन करके रखा है, अभी दिखा दें थोड़ी देर से। तो गाइस ये ठीक है ना, सब सेट ठीक है गाइस। हम लोग रेडी हैं सरप्राइज करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि मैं तैयार हो गया हूँ और बस अन्नू का वेट करते हैं, वो भी तैयार हो रही होगी। उसको पूछता हूँ फिर उसको हम करेंगे साथ, उसको दम देंगे सरप्राइज। अनु तैयार हो गए? तो गाइस देखते हैं तैयार हो गए, इसको सरप्राइज करते हैं। जल्दी आओ बाहर, आ जाओ। अरे वाह, तुम बिल्कुल शब्द ही नहीं निकल पा रहे, जल्दी आओ आओ। मुझे हंसी आ रही है। चलो चलो, आंखें बंद करो। सही? हाँ, कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। चलो आंखें बंद, ठीक है। मुझे देख के मुझे ना गुस्सा मत देना, ठीक है? बाकी खोलो धीरे से। ओह माय गॉड, कैसा लगा? चलो आओ, चलो आओ। अब बाउंड्रीज बाहर हो गए हो। कैंडल कोई बात नहीं, चलो। सरप्राइज बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत खुश है तुम्हारे लिए, देखो ये। थैंक यू। मैंने अन्नू के लिए गाजर का हलवा बनाया था। आपने बनाया है? अपने हाथों से। लो खा लो। ना हाथ में जाते नहीं मेरे भी। केक कट करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। जिन्होंने इतना मेहनत किया, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया, थैंक यू सो मच आप सभी को। और हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओह बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जा, आपको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे।
थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहले अन्नू तो खा चुकी है गाइस, अन्नू का अच्छा लगा ना? बहुत अन्नू का अच्छा लगा। अभी मैं मुनिया को भी खिलाता हूँ, फिर मुन्ना को भी खिलाऊंगा, देखते हैं कैसा बनाया मैंने। अच्छा है ना? 10 में से कितना 11? ठीक है, 10 में से 11। तो अभी मुन्ना की बारी है, मुन्ना को खिला के देखना। वैसे तो मैंने खुद नहीं खाया गाइस, मुझे इतना भरोसा कि ये बहुत टेस्टी होगा, लेकिन फिर भी बाकी लोगों से पूछते हैं। है ना मस्त है? 10/9 पढ़ने। अरे देखते हैं, मैं भी खा के देखता हूँ, मैं भी मैंने टेस्ट गाइस, मैं खुद खा के देखता हूँ कि बना कैसा है। डिलीशियस गाइस, डिलीशियस। मेरे हाथ में तो जादू है। तू तो 9.9 दिया था ना पापा के। इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन, वाओ टेडी, चॉकलेट, हर डे हम मनाए आज यहाँ। अनु, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आप सभी को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। और वैसे तो बहुत मजा आया हमें डेकोरेट करने में। वाओ ये भी बहुत सुंदर है, देखो आप देख सकते हैं ये मुन्ना मुनिया, इन लोगों का अलग सीन चल रहा है। बस हो गया, अब हम लोग सोच रहे हैं बाहर जाके खाएंगे, चौपाटी वगैरह जाते हैं, कुछ अच्छा खाएंगे और सेलिब्रेट करते हैं ये दिन को। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू टू। बाहर जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो गाजर का हलवा हमने बनाया था, मैंने, देख सकते हैं आप, ये हम सब लोग खा लेते हैं। तुम लोग को चाहिए केक? पूरा मेरा। पूरा नहीं, और मुन्ना के लिए मैंने स्पेशली फूड में सजाया, क्योंकि इसने बहुत मेहनत किया गाइस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलो गाइस, तो हम लोग भी, मैं तो शुरू करता हूँ मेरे हाथ का बना डिलीशियस गाजर का हलवा। हियर डिलीशियस डिलीशियस हलवा। देख के वही फील आता है ना। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए चौपाटी, और देखते हैं टाइम पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे खा सकते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे तो शायद ही फिर हमको कुछ और जाने हैं। नहीं तो देखेंगे, और फिलहाल के लिए देखो ये गाना हमने आज ही, मतलब आज के दिन पे रात के 12 बजे अपलोड किया था, और लगभग 800 व्यूज चले गए गाइज, 1K व्यू हो जाएगा थोड़ी देर में। और अगर आपने ये गाना नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए या फिर आई बटन पे देखिए, यहाँ पे आप ये गाना देख सकते हैं। हम जा रहे हैं खाने के लिए। सो गाइस हम आए हैं चौपाटी खाने के लिए, और ये लोग भी पीछे आ रहे हैं, और चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इन लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिए सरप्राइज के चक्कर में, तो फटाफट जाते और खाते हैं। हम क्या खाने वाले हैं? तो गाइस हम लोग सबसे पहला टारगेट है डोसा खाने का, जो कि हम पहले पूरा करेंगे, बाकी बाद में जाने हैं। ये लड़खड़ाते बहुत है एज यूजुअल, तो चलते और खाते हैं, यहीं बैठते हैं। ये कभी कभार होता है, पहले तो हमेशा होता था ना। नहीं 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 ऐसा नहीं है। क्या खाओगे आजकल? तो कुछ भी नहीं करते मतलब, खाओ पिज्जा लो ना, मैं से उठा लूंगा। गाइस हम लोग खा चुके हैं, अब निकल रहे घर क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सो चलते हैं घर। ये
ठीक है रेडी रेडी आंखें खोलो अरे अच्छा ले तू पकड़ पकड़ इसका कुछ तो निकालना रहेगा ना